मेरा चैनल और आज मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है वो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बता देना। और आज मैंने साड़ी के साथ ये सिंपल सा लुक क्रिएट किया हुआ है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल नई नवेली दुल्हन टाइप का लग रहा है ना? जी हाँ, आज मैंने नई नवेली दुल्हन के लिए मेकअप किया हुआ है ये, कि जब ससुराल में आप लोग नए नए रहते हो ना तो कैसे रेडी रहना है आप लोगों को, तो वही मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा जरूर। और ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है वो आगे आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा, तो चलो आगे वीडियो देख लो तो पता चल जाएगा कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया है। तो चलो आप लोग पहले वीडियो देख लो, उसके बाद बातें करते हैं। फेस अच्छे से वॉश कर लिया। फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी सिरम। तो सिरम लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो, सिरम लगा लोगे ना आप लोग फेस पर तो आपका जो मेकअप होगा ना वो बहुत ग्लोई ग्लोई लगेगा, तो आप लोगों को हाइलाइटर लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। वैसे तो अगर जो लोग क्या होता है ना कि लूज़ पाउडर लगा लेते हैं ना, तो फिर उन लोगों को हाइलाइटर लगाना ही लगाना पड़ता है। बाकी अगर आप लोग नहीं लगाना चाहो कि अब चलो लूज़ पाउडर नहीं लगाना चाहते, सिर्फ ऐसे ग्लोई ग्लोई फेस लगे, तो आप लोग सिरम अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लेना, तो बहुत अच्छा मेकअप उभर कर सामने आएगा। और इसके बाद मैं लगा ले रही हूँ ममा अर्थ का एलोवेरा टर्मरिक जेल, और इसको भी मैंने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है डैप डैप करके, और दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कि मेरा मॉइस्चराइज़र क्रीम और जो मेरा सिरम है वो अच्छे से एक दूसरे में मेल्ट हो जाए। तो ये देखो मेरा अच्छे से हो गया है। इसके बाद मैं लगा लूँगी अपने फेस पर फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को भी ना आप लोगों को डैप डैप कर कर ही लगाना है। आप लोग फिंगर की हेल्प ले सकते हो, अगर आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प नहीं लेना चाहते हो तो फिंगर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मैं किसी अपने वीडियो में फिंगर की हेल्प से आप लोग को ब्लेंड करना भी बता दूंगी। मैं हमें अधिकतर टाइम तो मैं हाथों की हेल्प से भी ब्लेंड कर लेती हूँ, पर अगर मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर होता तो मैं उसी की हेल्प से फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने डैप डैप कर फाउंडेशन अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, और इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और आप लोग जब भी ना ब्यूटी ब्लेंडर को आप यूज़ करो ना, थोड़ा सा पानी में आप लोग थोड़ा उसको अच्छे से निचोड़ के लगाना बिल्कुल एकदम, तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो मेकअप होगा ना बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप लोगों को ना एक्स्ट्रा और कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप लोग जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे ना मेकअप आपका उस इतना ही अच्छे से उभर कर सामने आता है। बस ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कि आप लोग ब्लेंड बहुत अच्छे से कर लोगे ना फेस पर, कोई भी चीज़ अप्लाई करने के बाद ब्लेंड बहुत अच्छे से कर लेना तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लूज़ पाउडर। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फेस सिरम के बाद मैं लूज़ पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर यूज़ करी क्योंकि मैं आज हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं लूज़ पाउडर लगा ली। तो लूज़ पाउडर लगाने के एक फ़ायदे ये भी हैं कि आपका मेकअप जो होता है ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसके बाद लगा लेती हूँ आई शेडो। तो आई शेडो मैं अपनी साड़ी के मैचिंग का कलर ही लगा रही हूँ, बाकी अगर आप लोग कॉन्ट्रास्ट लगाना चाहते हो तो कॉन्ट्रास्ट लगा सकते हो। बाकी मैं अपने यहाँ साड़ी का ही मरून शेड लगा रही हूँ। मरून और पिंक दोनों शेड मैंने मिक्स करके लगाया हुआ है। एक बार मैं पिंक ले रही थी, एक बार मैं मरून ले रही थी, तो मैंने वैसा शेड बनाया हुआ है। आप लोग अगर कॉन्ट्रास्ट देना चाहो तो कॉन्ट्रास्ट भी लगा सकते हो, और आई शेडो को भी आप लोगों को ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अगर फिंगर की हेल्प से आप लोग कर सकते हो तो फिंगर की हेल्प से और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो जैसा आपकी चॉइस हो आप लोग वैसा कर सकते हो। और इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी आईलाइनर। तो आईलाइनर तो देखो मेकअप में ना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। मुझे तो वैसे भी आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक बार काजल लगाना भूल जाऊँ बट मैं आईलाइनर लगाना कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मुझे आईलाइनर लगाना बहुत अच्छा लगता है। और आईलाइनर लगा लो ना तो आपके लोगों की आँखें वैसे भी बड़ी बड़ी सी लगने लग जाती है, और काजल और आईलाइनर का जो कॉम्बिनेशन है तो सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभी मैं आईलाइनर और काजल दोनों लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आईलाइनर कंप्लीट हो चुका है। आईलाइनर तो लग चुका है, बस मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, और सेट करते करते फिर मुझे लगा कि ना मैं थोड़ा सा कैटी आई लुक दे देती हूँ अपने आईज़ को, तो मैं कैटी आई लाइक आई लुक दे रही हूँ। जवान थोड़ी सी लड़खड़ा गई है। और इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी आईज़ पर काजल। तो काजल मैं आज इनर लाइन पर ही अप्लाई करने वाली हूँ, आउटर लाइन पर अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। किस किस को इनर लाइन पर काजल लगाना अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना। मुझे तो इनर लाइन पर ही काजल लगाना अच्छा लगता है, आउटर लाइन पर मुझे लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बाकी कभी कभी लगा लो तो अच्छा लगता है, हमेशा नहीं लगाना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा काजल भी लगकर रेडी हो चुका है। तो देखो आँखें कितनी बड़ी बड़ी लगने लगी, मतलब थोड़ा सा भी ना आप लोग आँखों को कुछ कर लो ना तो कितना प्यारा लुक लगने लग जाता। तो देखो मेरी आईज़ कितनी बड़ी बड़ी लगने लग चुकी हैं। और यहाँ पर ना मैं इसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा।
तो मस्कारा भी मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, उससे क्या होगा ना कि मेरी जो आईज है ना और खूबसूरत लग रही हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगी, झील सी जो आँखें होती ना वैसी वाली लगने लगेंगी। तो यहाँ पर ये देखो मेरा मस्कारा लग कर रेडी हो चुका है। और किस किस को मस्कारा लगाना पसंद है? मुझे तो अच्छा लगता है मस्कारा, कभी कभी लगाती हूँ मैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ हमेशा लगाऊँ, बट मैं हमेशा नहीं लगा पाती हूँ यार, बहुत जल्दीबाजी में रहती हूँ तो नहीं लगा पाती हूँ। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटर, तो देखो ना मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया होता ना इसके, इसलिए मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ। अगर मैं लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करती ना तो मैं हाईलाइटर नहीं लगाती, मेरा सीरम से ही बहुत अच्छा सा ग्लोई ग्लोई मेकअप हो जाता है। और वैसे तो मुझे ग्लोई मेकअप ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को तो पता होगा कि मुझे ग्लोई ग्लोई मेकअप ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी नोज़ को शेप कर रही हूँ, शार्फ कर रही हूँ एकदम, ताकि कि बहुत अच्छे से शाइनी लुक देने लगे। तो यहाँ पर मैं ना वाइट जो शिमर वाला है ना वो मैं लगा रही हूँ, यहाँ पर मैंने चिन एरिया पर भी लगा लिया और अपर लिप पर भी लगा लिया, और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, उंगली की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ, मैं कोई ब्रश के हेल्प से नहीं ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये देखो कितने अच्छे से ब्लेंड भी हो गया और एकदम बिल्कुल शार्प लुक भी आ चुका है तो मेरा देखो एकदम ही। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चिक्स पे भी लगा ले रही हूँ हाईलाइटर, ताकि कि थोड़ा सा जो चिक्स है ना वो भी थोड़े से ग्लोई ग्लोई वाले लगे। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया और इसके बाद मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइजर कर लूँगी। वैसे भी मैंने आप लोगों से बोला है ना कि जब भी लिपस्टिक अप्लाई करो उसके पहले मॉइस्चराइजर लिप्स पे लगा लेना, तो उससे क्या होगा ना कि आपको लिपस्टिक ना आपके लिप्स पर डायरेक्ट हार्म नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने लिप बाम लगा लिया है और मॉइस्चराइजर हो गए हैं मेरे लिप्स, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो सबसे पहले मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। तो ये देखो आईब्रो थोड़ी सी रिफिल हो जाती है ना तो मेकअप का एक जो लुक होता है ना वो ऑटोमेटिक ही आने लग जाता है। देखो सिर्फ मैंने आईब्रो पर सिर्फ पेंसिल लगाई है तो मेरा फेस का एकदम लुक देखो एकदम डिफरेंट हो गया है। ऐसा होता है यार कि एक चीज़ भी लगा लो ना तो डिफरेंट टोन होने लग जाता है। और मेकअप तो आप लोग करते जाओगे ना तो एकदम अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए, मेकअप तो बहुत अच्छे से लग जाता है। और इसके बाद मैंने लगा ली है बिंदी। तो ये देखो मैंने आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद मेरी आईज कितनी प्यारी लगने लग गई, और मैंने बिंदी भी लगा ली, हर सुहागन की निशानी होती है बिंदी। और सिंदूर तो मैंने पहले से ही भर के रखा हुआ था तो मेरा ऑलरेडी सिंदूर में लगा के रखी हुई हूँ, और मैंने बिंदी भी लगा ली है, मैचिंग बिंदी लगाई है मैंने। और इसके बाद मैं अप्लाई कर लेती हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक जो मैंने लगाई हुई है वो रेड कलर की नहीं है, मरून कलर की लगाई हुई। मैं पहले रेड कलर की लगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि रेड नहीं मरून लगाऊँ तो अच्छी लगेगी, तो मैंने मरून कलर की लिपस्टिक भी लगा ली। और इसके बाद मैं मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं अभी झुमके पहन लेती हूँ ताकि कि मैं आपको पूरा फुल लुक दिखा दूँ अपना। तो चलो मैं अभी एक झुमका पहन ली हूँ, एक और झुमका है उसको भी मैं पहन लेती हूँ। और मेरा आई मेकअप देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मैंने पार्लर से करवाया हुआ। तो आप लोगों के सामने मैंने मेकअप किया हुआ है, पार्लर की तो दूर दूर तक कहीं बात ही नहीं होती। और इसके बाद मैंने नेकलेस भी पहन लिया है तो मेरा फुल लुक हो चुका है, अब देख सकते हो। और इसके बाद मेरे बाल बचे हुए हैं तो मैं बालों को भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को, मैंने सिंपल सा ये जूड़ा बनाया हुआ है और बस मेरा मेकअप होकर कंप्लीट हो चुका। और पफ भी मैंने थोड़ा सा बना लिया है, वैसे मेरा फेस पर पफ अच्छा नहीं लगता बट मैंने फिर भी पफ बनाया हुआ, तो कभी कभी पफ बना लूँ ना तो अच्छा लगता है, बिकॉज मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है ना इस वजह से पफ अच्छा नहीं लगता है। बाकी जिनका फोरहेड छोटा हो ना पफ बनाना बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो आप लोग आगे का ब्लॉग देखकर एंजॉय करो, मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर तो कैसा बताइए। लगा ये वाला लुक मेरा? आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और एक बार तो आप लोग मुझे देखते ही रह गए होंगे ना कि लुक कितना प्यारा लग रहा है। तो जी हाँ, आज मुझे अपने आप को भी ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आपने अगर अपना मेकअप लुक क्रिएट किया है तो आपको कैसा लगता है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मुझे तो ये लुक बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो सारी नई नवेली दुल्हनों के लिए मेरा सजेशन होगा कि आप लोग भी ऐसे रेडी रहिएगा। अगर आप लोग ऐसे रेडी होकर घूमोगे ना घर में भी, तो सबकी नजरें सिर्फ आपके ऊपर टिकी रहेंगी और सारा टेंशन आप लोगों को ही मिलने वाला है। तो ये देखो, ये मैं आप लोगों को ये इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी ऐसी रहती हूँ, तो सबका टेंशन मेरी और ही रहता है। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, तो प्रोडक्ट ज्यादा हो या कम हो, बस मेकअप करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप लोग मेकअप करिए तो लुक बहुत अच्छा आता है। और देखिए, सुंदरता तो कहते हैं कि दिल के अंदर होती है, बट थोड़ा सा मेकअप लगा कर भी सुंदर बन लेना चाहिए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट के थ्रू तो पता चली। तो चलो इस वाले वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलूंगी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ।
अगर आज वाला मेरा लुक अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।